गुड मॉर्निंग। आज फोर्थ चैप्टर ट्वेल्थ क्लास में मैग्नेटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यह है टॉपिक। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो कंडक्टर लेंगे, वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे, उनमें करंट फ्लो करेंगे और उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होगा उसका डेरिवेशन लाना है, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए आप लोगों को बता दें किनकी ज़रूरत है, ये आप लोग तभी समझ में आ सकता है जब उसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन पॉइंट है इसको हम एक बार याद दिलवा देना चाहते हैं। आ रहा इधर उसमें थोड़ा, ठीक है ना। तो उन पॉइंट्स को याद दिलवाना चाहेंगे, वो कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये है, इसको आप लोग जानते हैं, पाम रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड दो हमने बताया था। पाम रूल नंबर फर्स्ट में हमने बताया था कि ये करंट को बताए, ये पॉइंट को बताए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट को बताए, ये किसको बताए, पॉइंट को, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये पाम रूल नंबर फर्स्ट था। अब पाम रूल नंबर सेकंड में क्या बताया था कि ये करंट को बताए, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये किसको बताएगा, फोर्स को, पहली बात ये। और ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर, यहाँ देखिए, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके राउंड में क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एक ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, एक स्ट्रेट, देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इससे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई अपान डी, ये होता है बायस वाला के एप्लीकेशन से, ये होता है। हमने इसको डिराइव करके अलग से नहीं बताया है वैसे, है ना, पर ये फार्मूला स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है, ठीक, तो इसका भी यूज होगा। और यदि कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पहले से है, इसी कंडक्टर में करंट फ्लो करे वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है ना जी। आप लोगों का फोकस मेन इधर होना चाहिए, ठीक, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यानी ये फोर्स का फार्मूला होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। यानी दो बातें याद रखना है, फोर्स का भी एक्सपीरियंस होता है जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हो तब, और यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो उसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और यदि वो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में है और उसमें करंट देंगे तो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। बात समझ रहे हैं ना, यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तब उसमें करंट देंगे तो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यदि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पहले से ही है ना, और उसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स का। तो ये दोनों आपको इस फार्मूलों को याद रखना होगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पाम रूल नंबर, यानी जिस रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन ला सको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ला सको, वो पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तब इसको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, देखिए, देखो ए बी एक कंडक्टर रहा ये, और सी डी दूसरा कंडक्टर है ये, ठीक है ना। ए बी और सी डी दो कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर एक दूसरे से क्या हैं, पैरेलल हैं, और कुछ ना कुछ सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम मान ले रहे हैं क्या, डी आर, कुछ भी ले लो स्वेच्छा से, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ए बी एंड सी डी आर टू कंडक्टर, ए बी एंड सी डी आर टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन स्मॉल डी, ठीक है ना।
यहाँ पहले से कोई भी फील्ड फील्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी जो ए बी है और बी सी डी है, ए बी और सी डी दोनों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, मतलब कोई फील्ड वहाँ पर नहीं है। जब यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, देखिए एक बार शॉर्ट शॉर्ट में हम लिख आंसर तक पहुँचा देते हैं, फिर लिखवा भी देंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने ए बी में करंट दिया आई वन, ए बी में क्या दिया आई वन करंट दिया, जब करंट देंगे तो इसके अराउंड क्या जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो यदि हम ये कहें कि इससे डी डिस्टेंस पर कितना होगा, तो B इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और टू आई वन अपॉन डी आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, ये क्या बताता है, ये करंट को बता रहा है, फिंगर्स पॉइंट को इंडिकेट कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, और इनवर्ड का साइन हमने ये बताया है क्रॉस की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड या नॉर्मली इनवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर हो, बोर्ड के अंदर हो, इसमें तो क्रॉस साइन होगा, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या जनरेट हो चुका है, अब बताओ अब ये कंडक्टर जो सी डी है वो कहाँ प्रेजेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था ना, और इसमें करंट दे दिए तो जनरेट हो गया, और अब कंडक्टर सी डी जो है वो कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और ये कंडक्टर ऐसे है, अब बताओ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर हो गया, कौन कंडक्टर, सी डी, सी डी है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब उसमें यदि करंट हम देते हैं कौन सी आई टू, तो इसमें फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, तो अब सी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई एल बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, तो ये आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे 90, क्योंकि जो कंडक्टर सी डी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई टू एल बी साइन 90 की वैल्यू 1, तो सीधे ये आ गया, अभी की ये वाली वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आई टू एल और ये म्यू नॉट 4π 2i1 अपान d, इसी को लिख देंगे म्यू नॉट अपान 4π 2i1 i2 l अपान d, ये एफ सी डी इक्वल टू हो गया कि नहीं, अब बताना बताना ये फोर्स, अब बताओ ये किसको बता रहा है, इसकी करंट को, और ये किसको बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो फोर्स किधर होगा, फोर्स इधर होगा, क्लियर है कि नहीं है, यानी इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सी डी के परपेंडिकुलर होगी, कहाँ होगी, अब सी डी के परपेंडिकुलर है भर, यदि बोल देंगे तो परपेंडिकुलर तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, अंदर तरफ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सी डी के परपेंडिकुलर टूवर्ड ए बी होगी, परपेंडिकुलर टू सी डी एंड टूवर्ड ए बी, क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए, क्या क्या कहा फिर से सुनना एक बार, ए बी में हमने करंट दिया आई वन, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इतना, उसकी डायरेक्शन हुई इनवर्ड, फिर उसमें फोर्स करंट आई टू दिया तो उसमें फोर्स का एक्सपीरियंस हुआ, वो फोर्स हुआ इतना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सी डी के परपेंडिकुलर टूवर्ड ए बी, ठीक है। आप क्या करते हैं, सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं उधर से, अब देखना थोड़ी समय के लिए सब इसको मान लो मिटा देते हैं, बना है डायग्राम में, फिर भी समझो मेन मेनू पर आ जाओ, और ये कहो कि मान लो हम पहले सी डी में करंट दिए होते, क्या किए होते, सी डी में करंट दिए होते, तो सी डी में करंट दिए होते तो सी डी में की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता उसकी डायरेक्शन क्या होती, यहाँ पर इसमें करंट दिए आप तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो ये किसको बताया, करंट को, ये पॉइंट को, तो आउटवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन फिर आउटवर्ड ना हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कितना होगा, उतने आई टू कहेंगे, तो मान लो यहाँ क्या हो जाएगा आई टू,
मान लो हम वही करंट लेते हैं, अब पहले फ्लो करते हैं पर I2 ही ले लेते हैं मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसकी डायरेक्शन क्या हुई, आउटवर्ड, ऐसे ना। अब ये कंडक्टर हो गया AB, कंडक्टर हो गया, अब इसमें करंट देंगे तो फोर्स लगेगा। क्यों? कि अब मैग्नेटिक फील्ड में हो चुका है, और जो फोर्स लगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ है, करंट ये है तो फोर्स ये होगा कि नहीं होगा। और जितना फोर्स ये रहा होगा उतना इसका भी आएगा। यही दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, एक दूसरे की तरफ नहीं, स्टार्ट से फिर से बताना पड़ेगा। तो दोनों की डायरेक्शन ये हुई। अब आप लोगों को ये बता दें, यदि इसमें करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी एक से, यानी आप जैसे इसमें दोनों में सेम है ना, दोनों में क्या है, और यदि अपोजिट कर देते हैं, दोनों में अपोजिट ना कर देने, एक को बदल दो, एक को, तो ये जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों बाहर तरफ लगने लगेंगे। अब मीन्स दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे, जबकि अभी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ फोर्स उधर नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर हुआ, फोर्स उधर हो गया, उधर हाँ उधर, और घुमा दो। हाँ अब बताओ, ये करंट है इस वाले में, देखो ना हमारे हाथ को ही देख लो ना, ये किसको बता रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना है तो फोर्स उधर ना जाएगा। और उस वाले में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, करंट भी तो इधर आ रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही यदि हम इसमें करंट की एक डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उसको भी देख ही लो तो ठीक रहेगा। चलो दोनों डायग्राम हमको बनाने पड़ेगा। वैसे ये रहा AB, ये रहा CD। मान लीजिए इसमें जब हमने करंट दिया था पहली बार I1, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जनरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, तो किस पर, नहीं AB की वजह से करंट जनरेट किए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, इनवर्ड हुई ना, इनवर्ड हुई ना। और जब करंट ऐसे दिए तो फोर्स इधर आया, अब हम करंट ऐसे दिए दे रहे हैं, ले ओ। तो अब बताओ करंट ये हो गया, करंट ऐसा नहीं, करंट कहाँ, अच्छा ऐसे करना पड़ेगा, कहाँ करंट ये हुआ कि नहीं, और ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि नहीं, तो फोर्स किधर जा रहा है। तो ये रहा, ये FCD हुआ। अब बताओ जब इसमें करंट दिए थे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो क्या कहाँ होगा, ये देखो। एक बार मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, एक बार फोर्स के लिए भी। तो जब इसमें करंट इस प्रकार दिए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, होगा कि नहीं, यहाँ यहाँ भूल जाते हो, नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो क्या, ये किसको बता रहा है इसमें, और ये क्या बता रहा है, पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इंदर ये कर तो दिए, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर ना है, कन्फर्म। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये क्या है, तो फोर्स इधर होगा, बस। तो वही तो हम क्या बोल रहे थे, क्या गलत बोल रहे थे, कि इसमें जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है तो एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा है, मीन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो जो फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो आप लोगों से कभी कभी ये डेरिवेशन के साथ साथ ये पूछ दिया जाता है कि कब वो अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपल करेंगे। तो बोल देना, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट ऑन द बोथ कंडक्टर आर सेम, देन दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर।
एंड इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ कंडक्टर आर अपोजिट देन दे आर रिपल टू ईच अदर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है ना। अब वही ये डायग्राम दोनों बना लीजिए तो बताएं, कहेंगे दोनों क्यों बन पा रहे हैं, एक अट्रैक्शन को दिखाने के लिए एक, हाँ ये फिगर नंबर ए है और ये फिगर नंबर बी है, चाहे लिख दीजिए फॉर अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी आपकी मर्जी हो। इसमें दोनों क्रॉस क्रॉस साइन है, मेन पॉइंट को ये समझना है कि करंट और ये पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स, हो गया। थोड़ा जल्दी बनाइए, बहुत जल्दी। इसमें दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, और ये करंट की डायरेक्शन आप किसी का किसी में उल्टा बदल सकते हो, किसी में चेंज कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो रिपल्सन ही होगा, ठीक है ना। तो अब लिखिए, लेट ए बी एंड सी डी आर टू कंडक्टर ए बी एंड सी डी आर टू कंडक्टर पैरेलल टू पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन स्मॉल डी है, ऐसा आर लिख सकते हो डिस्टेंस में, कुछ भी लिख लो। लेट ए बी एंड सी डी आर टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर एट सेपरेशन डी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई वन फ्लोज थ्रू कंडक्टर ए बी देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई वन फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ए बी देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस डी इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन डी टू आई वन अपॉन डी, ठीक है। ये रहा, वो इक्वेशन रख देते हैं, इसका डिटेल यदि आपको देखना होगा तो किसी दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन अपॉन डी कि ये कहाँ से आया है, बायस वर्ला के एप्लीकेशन से आया है। इट्स डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्मली इनवर्ड होगी, नॉर्मली इनवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। इतना तक क्लियर हो गया।
हो गया इतना क्लियर। करंट आपने दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली इनवर्ड। अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर सीडी में करंट देंगे, तो कंडक्टर सीडी में करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ना होगा, उसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड था तो वह फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो चुका है ना। फिर लिखते हैं, लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई टू व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई टू फ्लोज थ्रू कंडक्टर कौन सा सी डी देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई टू फ्लोज थ्रू कंडक्टर सी डी देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवेन बाई एफ एफ सी डी इक्वल टू आई टू एल बी साइन थीटा, ये भी पीछे पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पर जो कंडक्टर सी डी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, बट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा 90, तो एफ सी डी इक्वल टू म्यू आई टू एल बी आ गया, साइन 91 हो जाएगा आई टू एल बी एफ सी डी इक्वल टू, बी की वैल्यू रख दो इसके पहले जो आया है, तो आई टू एल म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन अपान डी, ये बी की वैल्यू रख दिया, म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू एल अपान डी हुआ, ये एफ सी डी हुआ, यानी सी डी पर लगने वाला फोर्स, सी डी का ये फोर्स हुआ। ठीक है, अब सी डी का जो फोर्स हुआ उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू सी डी एंड टूवर्ड टूवर्ड, सी डी के तो नॉर्मल होगा पर ए बी के टूवर्ड होगा। यदि केवल नॉर्मल भर बोल देंगे तो नॉर्मल तो कुछ भी हो सकता है, इसका नॉर्मल इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी, लेकिन हकीकत ये है कि सी डी के नॉर्मल होगा और टूवर्ड ए बी होगा, है ना, जरूर लिखना पड़ेगा इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ए सी डी एंड टूवर्ड ए बी, ये जरूर लिखना, नहीं इससे नहीं कन्फर्म होगा परपेंडिकुलर भर कह देने से। इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड टूवर्ड ए बी, यानी इस तरफ अब क्या करें, यदि हम सब कुछ स्टार्ट करें किधर से, सी डी से, सब कुछ यदि स्टार्ट करें किससे, सी डी से, तो जैसे अब सब कुछ स्टार्ट करें कह दिए तो समझ जाओगे ना क्या, जैसे इसमें पहले करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर करंट दिए, फोर्स का एक्सपीरियंस हुआ, वैसे हम ये आ बोल रहे हैं कि सब कुछ स्टार्ट करें सी डी से, मीन्स पहले सी डी में करंट दें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, फिर ए बी में करंट दें, फोर्स का एक्सपीरियंस हो, वो फोर्स कितना होगा, लाने पर उतने आएगा, तो इसीलिए हम अब सिमिलरली वर्ड का यूज करेंगे पूरा पूरा ना लगा के, है ना। तो आगे लिखिए, सिमिलरली डायग्राम भी मिटा देते हैं, स
सिमी लाली, सब कुछ करने पर अब सिमी लाली का मीन्स तो समझ ही गए हो, सिमी लाली फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए बी इज, सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए बी। अब कैसे ए बी पर लगेगा, वो स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। पहले सी डी में करंट तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो ए बी में करंट, तब सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए बी इज एफ ए बी इक्वल टू, वही आ जाएगा म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू एल अपान डी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कर दें, उसमें जो भी आ रहा हो तो सेकंड न रहो कर देना, नहीं रहने दो न रखे हो तो। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ए बी इज गिवन बाय दिस इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड टूवर्ड सी डी। इसकी जो डायरेक्शन होगी ए बी के परपेंडिकुलर होगी और टूवर्ड सी डी। देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए बी एंड सी डी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए बी एंड सी डी फॉर लेंथ एल इज, ए बी और सी डी के बीच में, ए बी और सी डी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए बी एंड सी डी फॉर लेंथ एल, तो ये एफ इक्वल टू चाहे एफ इक्वल टू चाहे एफ ए बी लिख दो चाहे एफ सी डी लिख दो। सुनिए ये आपको बता दें, कोई कहेगा ए बी पर कितना फोर्स लगता है तो आप ला ही दिए, सी डी पर कितना लगता है तो आप ला दिए, दोनों क्या है इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल, ए बी पर लगने वाला फोर्स भी वही है सी डी पर लगने वाला फोर्स भी वही है। पर यदि कोई ये कह दे कि उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है तब भी वही, तब भी वही। आप लोगों को जब हमने स्टार्ट में पढ़ाया था याद करो कूलाम्स ला, ये क्यू वन ये क्यू टू ये था आर, हमने आप लोगों से कहा था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, हमने कहा था इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप लोगों ने कहा था वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। फिर कोई कह दे कि इसमें कितना फोर्स लगेगा तब भी यही, क्यों दो चार्ज का प्रोडक्ट है ना होगा, तो क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर तो उसमें भी होगा। यानी यदि कोई कहता है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा इसकी वजह से तो आप कहोगे ये लगेगा, कोई कहेगा इस पर कितना फोर्स लगेगा इसकी वजह से तो आप कहोगे ये लगेगा, और कोई कहता है कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा तब भी यही होगा, तब भी ठीक है ना। ऐसे ही ए बी पर लगने वाला फोर्स आपने देख लिया, सी डी पर लगने वाला फोर्स भी देख लिया, दोनों क्या थे इक्वल थे। अब कोई कह दे कि ए बी और सी डी के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा तो वो भी वही, नहीं समझ पाए लगता है शास्त्री, इस पर यही फोर्स लगेगा ना, इस पर वही या दोनों के बीच भी क्या अलग है कोई रूल, वैसे बोल रहे हैं ए बी पर लगने वाला फोर्स बी सी पर सी डी पर लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल है तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स वही कहलाएगा। मीन्स एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू एल अपान डी, ये आया फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहा।
न्यूटन यूनिट है। फॉर यूनिट लेंथ लिखा जाए, इसी को क्या लिख दिया जाए, यूनिट लेंथ पर लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर यूनिट लेंथ तो एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू अपान डी लिखना पड़ेगा, और इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। ये यूनिट लेंथ के लिए हो गया, फॉर यूनिट लेंथ तो ये, ठीक है। अब बताओ दो कंडक्टर के बीच लगने वाला फोर्स का ये फार्मूला है, दो कंडक्टर के बीच लगने वाले फोर्स का ये फार्मूला है, इस फार्मूला से देखना, मेन फार्मूला कन्फर्म हो गया ना, एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई टू आई वन आई टू अपान डी हुआ, ये मेन फार्मूला बन गया। अब यदि आपसे कह दे कि इफ है डी बिकम्स डी हाफ तो क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू टू एफ हो जाएगा कि नहीं, इसको हाफ मान लो कर दे, क्या कर दे, हाफ कर दे तो ये डी ऊपर चला जाएगा, ए साई टू ऊपर चला जाएगा, नहीं कैसे आ जाएगा बताना पड़ेगा, अरे कैसे हुआ, एफ डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई और टू आई वन आई टू अपान ये डी वाई टू नहीं लिख देंगे हैं, तो एफ डैश इक्वल टू ये टू ऊपर चला जाए टू, तो आप कहोगे ये फोर तो हो जाएगा, अरे फोर क्यों कर रहे हैं, उसको हम एफ बचाए रहे ताकि एफ लिख सके, तो इस टू को यहाँ लिखे देते हैं, लीजिए टू और ये म्यू नॉट अपान फोर पाई और ये टू आई वन आई टू अपान डी, ये क्या हुआ इसका, होगा कि नहीं, इसीलिए तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, हमने कहा कि डी को डी हाफ कर दे तो ये फार्मूला जो है हाफ रखने पर ये हुआ टू ऊपर चला गया, ये ध्यान देना यहाँ टू का टू से मल्टीप्लाई ना कर देना, हम उसको एज इट इज बनाए हुए हैं ताकि एफ लिख सके, उसको बचा के रखें ताकि एफ लिख सके, ठीक है ना। अब ऐसे मान लीजिए इनको अब कह दिया जाए कि सबको डबल कर दें, सबको क्वांटिटी को क्या कर दें, आई वन को आई टू को डी को सबको डबल कर दें, तो जब सबको डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल ही होगा, क्यों डबल होगा, अरे ये टू होगा ये टू होगा ये टू होगा तो एक टू से टू तो एक टू भरना बचेगा, यानी हम ये कहने वाले हैं ये इफ है आई आई वन को कर दें टू आई वन, आई टू को कर दें टू आई टू और डी को भी कर दें टू डी, देन एफ डैश इक्वल टू टू एफ आएगा, यदि सबको डबल करेंगे तो इसमें टू 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 तो एट टू से टू कैंसिल है ना, और यदि करेंट भर को डबल करेंगे तो क्या होगा, फोर टाइम्स होगा, ये अब समझ गए होंगे। लास्ट में जो हम ये बताने वाले थे कि दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी है ना, तो अट्रैक्टिव नेचर होगा, अपोजिट में रहेगी तो रिपल्सिव नेचर, ठीक है ना। आगे लोग लास्ट में लिख दो, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट फर्स्ट नंबर में लिखो, इफ डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन बोथ कंडक्टर आर सेम, इफ डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन, इफ डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन बोथ कंडक्टर, इफ डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन बोथ कंडक्टर आर सेम, इफ डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन बोथ कंडक्टर आर सेम
देन फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स इज अट्रैक्टिव नेचर. लिख लिया आप, फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ कंडक्टर इज अट्रैक्टिव नेचर. और डायरेक्ट लिख दो, चाहे नंबर दो डाल के लिख दो. इफ डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन बोथ कंडक्टर आर अपोजिट, देन दे आर रिपल टू ईच अदर. शॉर्ट में लिख दो, देन दे आर रिपल टू ईच अदर. ठीक, देखिए इतना तो क्लियर हो गया. सेम में तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट में क्या होगा, रिपल्सन. एक बार क्वेश्चन एक ठो पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद नीट वूट में आया था. उसमें ये था, एक ये स्प्रिंग थी, क्या थी, और इसमें कुछ वेट सस्पेंड था, क्या था, और ये बोला कि इसमें यदि हम करंट फ्लो कर देंगे तो स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी कि एक्सपैंड होगी. एक स्प्रिंग से ये वेट को सस्पेंड किया पहले, ठीक. फिर बोला कि उसमें यदि हम करंट फ्लो कर दें, क्या कर दें, करंट फ्लो कर दें, तो करंट फ्लो करने पर उस स्प्रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा. तो देखो, मान लो ये करंट दिया हमने, ये करंट, ये ठीक है, और ये अब बताओ ये करंट की डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है. कहाँ आप, आखिर ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे ना है. यदि मान लीजिए इस स्प्रिंग में हम पेन डाल दें तो और उस साइड वाले राउंड होंगे ना, नहीं समझे. स्प्रिंग में पेन डाल दें तो और वाले ये वाले पोर्शन इधर वालों को देखे, उधर वालों को ना देखिए आप, तो अल्टरनेट में ना होगा. एक उधर वाला राउंड भी दिख रहा है, इधर वाला भी. तो करंट की डायरेक्शन देखो ना, इसको हम बाहर वाला मान लेते हैं, तो ये बाहर वाला होगा, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, और उस पार वाला ये हो जाए. अरे ऐसे ऐसे जब स्प्रिंग रहेगी, हाँ तो आप इसको देखिए, इधर वाले को उस डायग्राम में तो इधर वाला भी दिख रहा है, उधर वाला भी दिख रहा है, तो आप उधर उधर वाले को देखिए, तो उस हर राउंड में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है. और इधर वाली हर राउंड में भी करंट की डायरेक्शन, तो वो हर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. स्प्रिंग में कंट्रैक्शन होगा. सब बच्चे एक्सपैंड लिखे थे, ये स्प्रिंग सिकुड़ेगी, क्या होगी, सिकुड़ेगी, क्योंकि इसके डिफरेंट राउंड में करंट की डायरेक्शन जो है सेम है, ठीक है ना, हर राउंड में. अब आप लोग देखते हैं कि अपोजिट तो है. अरे अपोजिट आप समझ ही नहीं रहे हो कि और राउंड इस साइड के हैं और राउंड उस साइड के हैं, तो इस साइड वाले को देखिए और इस साइड वाले को देखिए, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, हर राउंड के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन होने की वजह से स्प्रिंग जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है. अरे तो वेट पहले सस्पेंड कर दिया, जितना एक्सपैंड होना था हो गया. अब करंट जब देंगे तो क्या होगा, तो करंट देंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है ना. ये आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा. यदि समझ में आ गया है तो इस प्रकार और भी टॉपिक को यदि पढ़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी, जितने भी दोस्त हों उन सबको क्या कर सकते, शेयर करिए, तब आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. थैंक यू.